ये हमारी बच्ची, इसको 3-4-5 दिन हो रहे अभी जन्मे हुए। इस प्यार को क्या नाम दूँ? कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी बात हमको समझ नहीं आती। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत सीधे गांव से। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम घर आ चुके हैं, अपने गांव में पहुंच चुके हैं, अपने घर पे पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल अब आप लोगों को घर के ही ब्लॉग दिखने वाले हैं। तो अभी सब्बू और मेरे को ये काम मिल रखा है, ये दाल है ना, इसमें से सफ़ेद वाली राजमा है, इसको छानने का। अब बीज के लिए शायद कल परसों से राजमा बोने वाले हैं, तो उसके लिए हमको आज ही काम मिल रहा है इसको छानने का। माँ लोग भाभी लोग खेत गए हुए हैं और शैलेश भाई के तो हाथी पे दर्द हो रहा है। ये देखो दाल भी इतने प्रकार की होती है, एक ये वाली राजमा, ये वाइट कलर की, ठीक है, एक ये धब्बे वाली, सेम बीज वैसी है लेकिन इस पे धब्बे धब्बे टाइप के, दो, एक ये लाल कलर की, बिल्कुल लाल, जिसको लाल राजमा बोलते हैं, ये लाल कलर की। उसके बाद एक इस तरह की होती है, अब इन छेमे का नाम पता नहीं क्या क्या, इन दालों का नाम भुई छेमे बोलता हूँ इनको। बाकी एक ये पीली कलर की और एक ये छोटी छोटी लाल कलर की, ये दिख रहा होगा शायद आपको यहाँ पे, छह टाइप की तो ये है। हाँ, और उसके बाद एक और है इसमें होगी, ये वाली प्योर राजमा जिसको बोल, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत है मार्केट में, घर में ही इसकी 150 के पार इसकी इसका रेट है, मतलब 1 किलो 150 के ऊपर इसका रेट है। एक ये भी है 8 टाइप की, ये बिल्कुल व्हाइट कलर की है ये वाली, ये तो 8 प्रकार की दालें बता दी मैंने आपको यहीं पे। तो दोस्तों अभी दिन का 2 बज चुका है सुबह के बाद, अभी हमारा व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। ओए क्या कर रहा भाई साहब, इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है ना, क्योंकि मौसम यहाँ का बिल्कुल भी अलग है। और बद्रीनाथ के बाद ये हमारा पहला दिन है जिस मौसम में हम इस तरह से रह रहे हैं, क्योंकि परसों हम जोशीमठ पहुँचे थे शाम को, कल सुबह से शाम तक चलना ही हुआ क्योंकि कल हम घर आए हुए थे, और आज भाई साहब बहुत बोरियत। तो फिलहाल आज घर पहुँचते ही आज अपनी जो पुरानी वाली ड्यूटी थी जो हमारी पिछले साल तक लगती थी गायों के साथ जाने की, वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम गायों के साथ जा रहे हैं, मैं और अब्बू हमारे पीछे से आ रहा है अपना श्याल आराम, और हमारा कालू भी आ रहा है हमारे साथ। मुझे लगा नहीं कालू हमारे साथ आएगा, अब्बू बोल रहा था नहीं आएगा, बल हमने कई बार आवाज़ दे करके देखते हैं। तो अब हमारा कालू भी हमारे साथ गायों के साथ आ रहा है। तो आजकल हमारी गायें ना फिर से ऊपर जा चुकी है, ऊपर साल में जहाँ पर बरसात के टाइम पर रहता था, पिछले साल भी रहते थे जहाँ पे, तो आजकल फिर से हमारी गायें वहाँ जा चुकी है। एक गाय रहती है हमारी केवल नीचे, बाकी सारी गायें ऊपर रहती है, इसको अभी ऊपर लेके जाना है। तो दोस्तों अपनी गौशाला में हम पहुँचने वाले हैं, बहुत दिनों के बाद गौशाला के दर्शन होंगे, गायों के दर्शन होंगे। या तो भाभी जी इधर मुँह निकालने में लगी हुई है, गोबर निकालने में। तो आप लोगों को ना आज अपने बेरची, तो आज आपको एक नए मेंबर से मिलाने वाले हैं अपनी फैमिली के, अपने गायों के एक छोटे से मेंबर से मिलाने वाले हैं जिसका जन्म आजकल ही हुआ है। ये हमारी बच्ची, इसको 3-4-5 दिन हो रहे अभी जन्मे हुए, और ये हमारी बच्ची। ओ बच्ची कैवो गोडू ची, अच्छा तो अब इसकी मम्मी बताएंगे, ठीक है, किसकी मतलब इसकी मम्मी कौन सी है, मतलब ये किसका बच्चा है। ओए कैसा लग रहा है तेरे को इस पृथ्वी में, बोझ तो नहीं लग रहा है? ए चल ओए यहाँ देख, तूने देख रखा है इसको बच्ची, ओए तूने देख रखा है इसको, ये देख बच्ची, देख यहाँ पे कालू, ये ला ये देखिए,
बाची। तो दोस्तों गायें हमने पीछे ही छोड़ दी थी, तो हम निकलते हैं गायों के साथ। अरे ते नहीं बुलाओ ना यार, ते हम गोड़ते ली जाना कसम से। हाँ कालू आजा, कालू कालू आजा मेरा कालू 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 आजा कालू आजा कालू 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 बाटू क्या बढ़ची ये बढ़ गई वाला कालू आजा आजा मेरा कालू आजा 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 आजा। हाँ भाई तू ही है भाई, अपना तू ही है, अपना अपना कालू है, चल आजा। दोस्तों आप लोगों को जो नीचे हमने बातचीत बताई थी ना, उसकी माँ ये है, उसकी मम्मी। ओए ले ओ गोड़ी इका आजा, ये हमारी सबसे बुजुर्ग वाली गाय है, सबसे बड़ी वाली, बाकी सारी इससे छोटी है। जो हमारे बल्द भी है ना, वो भी एज में इससे काफ़ी छोटे हैं। ओए यहाँ नीचे पे ये अपना फिक्र हो तो इसके कारण मैं आप लोगों को तो पता हो गई, शायद शैतानी कम हो गई होगी इसकी। ओए ले फिक्र ले अल्ले अल्ले ले ले, अभी मिलाऊंगा इसे, ठीक है। अभी एक बार इसको इसके साथ लड़ाई करके देखेंगे, देखता लड़ाई करना आता नहीं आता। हमारे साथ तो वैसे नहीं आता ना, दादी लोगों के साथ, लेडीज़ों के साथ जाते हो केवल लड़ाई करने के लिए, और बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा, बच्चों के साथ आता है इसको सबसे ज़्यादा मज़ा। मेरा कालू, कालू को मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, इसको इसको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और कहाँ जा रहा था तू, तू कहाँ था, कहाँ था तू, तेरे को मैं इतनी आवाज़ दे रहा था तूने सुना क्यों नहीं। जा ऊपर अब भैया देख जा जा। हाँ क्या हुआ, हाँ क्या बोलना क्या चाह रहा है। हाँ भाई चल चल, अब मैं तेरे साथ ही हूँ, चल आजा आजा, अब कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। मुझे लगा तू घर चले गया साले ओए कालू ओ कालू नजदीक है ना, निमाना निमाना डन डरा है ना, तै तू डरा, तू तैते जिते डोल तो सुते ते डरूल तो अब वो साहस करते हुए बाले के साथ लड़ने का, अभी ऑल यत फिर किसू ऑल मानर तैयार वहीं सू जा भी रहा है अब लड़ाई करने के, लेकिन डर भी बहुत रहा है निमान निमान डॉरी स्वाब। तो दोस्तों अभी इस जगह पे भी जहाँ पे हम गायों के साथ आ रखे ना, तो कुछ दिन बाद यहाँ पे देखने इतनी लंबी घास हो जाएगी, जैसे ही मतलब बरसात स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो बारिश स्टार्ट नहीं हुई ना, अभी केवल एक दो दिन बारिश लगी है, तो कंटिन्यू जब बारिश लगती है ना, मतलब सावन के महीने में, उस टाइम पर यहाँ पर पूरा इतना ऊपर तक घास हुआ रहता है, इधर पूरा इधर जहाँ पर खाली एरिया है। तो यहाँ देखो दोस्तों अबू और कुत्ता गहरी नींद में खोए हुए, अपनी गजब की नींद है भाई इनको कसम से। यहाँ देखो उठ गए साहब, उठ गए साहब साहब जी उठ गए, हमारे साहब जी उठ गए, उठ सो गया साले फिर से। आजकल ना गायों के साथ बड़ा आराम है कसम से, यहाँ पर आराम है, बाकी अगर हम नदी के उस पार ले जाएंगे ना, तो वहाँ पे लोगों ने बोया हुआ है तो वहाँ पे उजाड़ जाती है गायें, उजाड़ यानी लोगों के खेतों में जहाँ पर लोगों ने बोया हुआ है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है थोड़ा सा, बाकी इधर तो खुला एरिया यार, यहाँ पर कहीं भी चले जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़े आराम से, जब से हम गायों के साथ आए हुए तब से एक बार भी हमने गायों की तरफ नहीं देखा, गाय भी अपने मज़े से चल रही है और हम भी अपने मज़े से अपना आराम कर रहे हैं, अपना फ़ोन पर वीडियो देख रहे हैं। बाकी अपना कालू अभी उठ चुका है कालू कालू मेरा कालू, क्या हुआ क्या हुआ, तू ही तो जिठुल में को अच्छा गोरे दाई दिव्यांशु नहीं दिखाणु अच्छा ठीक 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 ठीक
पंजार कण में लगे वाल तुम अपने ये तो बेची मेयर ये पुणे मेयर आया भी गोरी पुणे ची छो कसम से गोरा तरह मैं छह ही नहीं अभी इस प्यार को क्या नाम दूं ओहो हो दो भाइयों का प्यार ओ कालू तू भी कितना शांत और का भाई पड़े रहो भाई ऐसे गजब वर्ल्डन अरे क्या हुआ क्या हुआ मिल गया ना अब मिल गया ना हाँ मिल गया ना ओए बोलना क्या चाह रहा है बोलना क्या चाहते हो कहना क्या चाहते हो कहना क्या चाहते हो तुम्हारी बात हमको समझ नहीं आती चल आजा